नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह और पाठ प्रथम, पहला पाठ, इसका पाठ चौथा पाठ हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। हाँ, तो किस प्रकार से देखेगा कि वहाँ हम पढ़ रहे थे कि जर्मनी का जो ये नकली लेफ्टिनेंट था तो उससे कई बातें की, और उन्होंने क्या है कि उसको मौलवी की कहानी भी सुनाई। मौलवी की कहानी सुनाई, किस प्रकार से गांव में आता था, ताबीज बांटता था, बच्चे होने के ताबीज बांटता था, और गांव के बड़के पेड़ के नीचे बैठा रहता था, लोगों को बहकाता था कि सरकार जाने वाली है, इस तरह से कई बातें करता था। और हमने क्या है कि उनका सिर मुंडवा दिया और फिर गाँव से बाहर निकाल दिया, इस तरह की बातें वो उनको समझा रहा था, इस तरह की बातें उनको बता रहा था। वह भी मौके की तलाश में था। ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसे उसने जैसे सर्दी से बचने के लिए कोई उपाय किया हो, उन्होंने क्या है कि अपने दोनों हाथ जेबों में डाले, सारी बातें सुन रहा था और वह उनको सच्चाई भी अवगत करवा रहा था कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तू नकली लेफ्टिनेंट है। वह क्या है कि सर्दी से बचने के लिए इंसान क्या कुछ बहाना बनाता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी क्या है कि अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालने की कोशिश की ऐसे कि जैसे वो सर्दी से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, किंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके पैंट वाली जेबों को लहना सिंह ने तलाशी नहीं ली थी, वो तलाश से वंचित रह गई। उन्होंने अंदर से गोली चलाई, गोली निकल करके लहना सिंह के जांग में लगी। उसी समय लहना सिंह के पास में हेनरी मार्टिन नामक जो पिस्तौल थी, उन्होंने गोली चलाई और दो गोली चला करके जो नकली लेफ्टिनेंट था उसका काम तमाम कर दिया, वो ढेर हो गया। उसके पश्चात दोनों तरफ से लड़ाई होने लगी, इधर लहना सिंह उधर से क्या है कि सच्चाई की सूचना हजारा सिंह को भी मिल गई थी। हजारा सिंह अपने साथियों को लेकर के खाई की तरफ आ गए थे। इधर जर्मनी वालों ने इधर धावा बोल दिया था, आक्रमण कर दिया था। इधर से लहना सिंह, उनके साथी कुल मिलाकर के 8 ही लोग थे। लहना सिंह तक तक करके मार रहा था। इतनी देर में हजारा सिंह भी अपने साथियों को लेकर के आ जाता है। लहना सिंह इधर गोलियां चलाता है, उधर से हजारा सिंह गोलियां चलाता है। बीच में जर्मनी सैनिक फंस जाते हैं, अर्थात बीच के अंदर जर्मनी की सेना फंस जाती है। आगे से मार रहे हैं, पीछे से मार रहे हैं, उनको गोलियां चला चला करके मार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जर्मन दो पार्टों के बीच में फंस जाते हैं, जर्मनी टुकड़ी दो पार्टों के बीच में फंस जाती है। नज़दीक आने पर लहना सिंह ने गोलियां चलाना बंद कर दिया और बंदूक के मुंह पे लगने वाली कलें जो तलवार नुमा होता है उससे क्या है उनको मारना चालू किया। इसी प्रकार ठीक पीछे से आ रहे जो मतलब हजारा सिंह के साथी थे वो नज़दीक आने पर गोलियां चलाना उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने भी कलें चलाना चालू कर दिया और इस प्रकार से गोलियां चला करके उन्हें ढेर कर दिया। और उसके बाद ऐसा सुना जाता कि भारतीय जो लोग थे, सिख जो लोग थे, 15 लोग शहीद हुए और उनके 63 जर्मन लोग शहीद हुए या वो घायल हुए, खेद रहे। उसके पश्चात वो जब नीचे गिर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भोदा सिंह, हजारा सिंह दौड़ करके आते हैं और जो कुछ उन्होंने उस नकली लेफ्टिनेंट से जो कुछ बरामद किया था, जो उनकी जेबों से तलाशी लेने के बाद में जो कुछ सबूत प्राप्त किए थे, वो उन्होंने सूबेदार को सौंप दिया और कहा ये लो। उन्होंने कहा आज तूने मेरे नहीं, बोधा के नहीं, सभी लोगों के प्राण बचाए हैं, क्योंकि तेरी सूझबूझ के कारण आज हम सब बच गए हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि खून जो बह रहा था उस पर पट्टी बांध दी। वो उनको ले जाना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे जख्मों को ठीक करवाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, किंतु उन्होंने सूबेदारनी की सौगंध देते हुए कहा आप चले जाइए, मैं एकदम ठीक हूँ, देखते नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जबकि उनको एक बहुत बड़ा घाव लग गया था, बहुत बड़ा जख्म हो गया था। लहना सिंह को इस बात की जानकारी हो गई थी कि अब तेरा बचना नामुमकिन है, तू बच नहीं सकता, तू निश्चित रूप से मरेगा। तो तेरे साथियों के मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लहना सिंह बहुत ज़्यादा दुखी है, लहना सिंह की बहुत ज़्यादा जख्म हो गया है, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। और वह क्या है कि इन लोगों को बचा करके बहुत खुश था और वह उनको वहाँ से भेज देना चाहता था। उन्होंने कहा देखिए आप चले जाइए, यहाँ से फील्ड अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं है और देखिए मेरे पास में ये बाकी लोग हैं, ये मेरा सहयोग कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से जाने के पश्चात गाड़ी भेज देना। और इस प्रकार से अपने साथियों को भेज देते हैं और मृत्यु से या पर एक तरह से लेट जाने के पश्चात
वो कहते हैं मेरा पट खोल दो, बहुत पीड़ा हो रही है, उनके शरीर से खून बह रहा है और बार बार जो उससे साथी से कह रहा है कि पानी पिला दो पानी पिला दो। फिर वो जीवन की स्मृतियाँ उनके ताज़ा हो जाती है, पुनः उनको याद करते हैं कि किस प्रकार से बचपन के अंदर वो दही लेने जाते थे, वो बालिका थी और ये बच्चा था, किस तरह से गुड़माई कह करके चिढ़ाते थे, आज उनकी शादी हो गई, एक उनका बच्चा उनका पति है, ये बातें जीवन में चलती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो इंसान संसार को छोड़ करके एक बार जाता है तो उस समय क्या है कि पुरानी स्मृतियाँ वापस एक बार ताज़ा हो जाती है। अब इसमें इसके आगे देखिए, तो देखिए उन्होंने कहा जब वो जाने के लिए मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं पट्टी बंधवाने चाही पर उसने ये ककर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जावेगा। बोधा सिंह ज्वर से बरा रहा था, अतः ज्वर बुखार चढ़ी थी और ऐसी स्थिति में बड़बड़ा रहा था बरा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था, सुविधा लहना सिंह को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सुबेदानी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, अर्थात तुम्हें सौगंध है, इस तरह से उनके बेटे की सौगंध दिला दी, उनकी पत्नी की सौगंध दिला दी, आप इस गाड़ी में अगर नहीं गए तो अर्थात आप इस गाड़ी में बैठ करके चले जाइए, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। क्योंकि उनको पता है अगर गाड़ी में बिठा करके मुझे ले जाएंगे तो उनको सच्चाई का पता लग जाएगा और ये मेरी रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये निश्चय हो गया, क्लियर हो गया है कि मेरा बचना नामुमकिन है, मैं मुश्किल ही बचूंगा। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को अर्थात हजारा सिंह को सुबेदान की और उनके बेटे की सौगंध दिला करके भेज दिया, वो नहीं जाना चाहते उनके साथ। और तुम उन्होंने कहा तुम्हें बोधा की कसम और सुबेदान की सौगंध है जो उस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँच कर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी ना, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही तो है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सुबेदानी होरा को चिट्ठी लिखी तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। जब सुबेदार वो उसका बेटा जब जा रहा था तो उसने लहना सिंह ने बोधा सिंह के पिता हजारा सिंह से कहा कि जब आप जाओ और जब आप चिट्ठी लिखो तो लिख देना, उसने कहा था मैंने कर दिया, अर्थात सुबेदानी ने मुझे जो कहा था मैंने कर दिया, यहाँ से पत्र लिखो तो लिख देना, और जब आप गांव जाओ तो वहाँ जाकर कह भी देना कि लहना सिंह से आपने जो कुछ कहा था, अर्थात आपने लहना सिंह को जो कुछ कहा था वैसा उसने कर दिया है, उसने कहा था वो मैंने कर दिया, वहाँ जाकर के आप ये सारी बातें बतला देना, और जब जाओ तो मेरा मत्था टेकना कह देना। तो क्या कहा, बोधा गाड़ी इसके बाद में मेरे लिए पहुंचकर गाड़ी भेजना हो गया, बोधा गाड़ी पर लेट गया और उन्होंने कहा सुनिए तो सुबेदानी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी, सुबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा था तेने मेरे बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सुबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, वो चाहते थे कि गाड़ी पर चढ़ करके जल्दी चले जाए क्योंकि मेरी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। कमरबंद में क्या है कि गोली लग गई थी, उससे खून निकल रहा था, दुखी हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, अर्थात उससे खून निकल रहा है। वह उन लोगों को नहीं जताना चाहता था, उन लोगों को नहीं बताना चाहता था कि मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरा जीना नामुमकिन है।
उनके जाने के पश्चात जैसे गाड़ी में लेट करके बैठ करके चले जाते हैं, लेट जाता है और अपने साथी से कह करके बार बार पानी पीने का प्रयास करता है क्योंकि उनका गला सूख रहा था। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती। ऐसा माना जाता है इंसान इस संसार को छोड़ करके जाता है तो उनकी जो पुरानी स्मृतियां हैं, बचपन में जो घटना घटी है, एक बार पुनः ताज़ा हो जाती है, एक बार दोबारा तर और ताज़ा हो जाती है। इसलिए बचपन में जो घटना घटी है उनकी स्मृति दोबारा ताज़ा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब वो लेट जाते हैं, लहना सिंह लेट जाते हैं, तो बचपन की वो यादें, बचपन की वो घटना, जो कि ये भी अपने ननिहाल गए हुए थे और वो सुबेदारनी जो बच्ची थी वो भी ननिहाल गई हुई थी, आपस में मिलते हैं, किस तरह से बातें होती है, तुम्हारी कुड़माई हो गई है, इस तरह की बातें उनकी स्मृति पटल पर अंकित होती है और बार बार उनके दिल और दिमाग पर वो बात छा जाती है। ऐसा माना जाता है कि मरने से पहले बचपन में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण बात अगर हुई है तो मरने से पहले एक बार वह बात अवश्य उसके स्मृति पटल पर आती है। ठीक उसी प्रकार से वो बातें भी आज उनके स्मृति पटल पर आ रही है और वो उसी ध्यान में लगे हुए हैं कि जीवन में किस तरह से बचपन की वो यादें उनके दिल और दिमाग पर छा जाती है। तो देखिएगा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उनसे उन पर से हट जाती है। लेना सिंह 12 वर्ष का था, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक वर्ष की 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। लेना सिंह तो 12 वर्ष का था और वो जो सुबेदानी थी, सुबेदानी वो छोटी बच्ची थी, वो मात्र 8 साल की थी। वो सब्जी वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, कहीं न कहीं वो दोनों आपस में मिल जाते और लहना सिंह छोटा बच्चा ही था, शुरू में तो कोई बातें नहीं की, किंतु बाद में उसको चूहल सूझती थी, मजाक सूझता था और वो कहता तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या, और इस तरह से धत कह करके वो भाग जाती। इस तरह से काफ़ी दिन निकल गए, कई बार ऐसा होता रहा। एक दिन सुबेदानी जो छोटी बच्ची थी उस समय उसे भी चूहल सूझी और उसने भी मजाक में कह दिया हाँ हो गई, और हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम का सोल मैंने जो ओढ़ रखा है। इतना सुनने के पश्चात उसकी हालत लहना सिंह की खराब हुई और रास्ते में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा करके घर पहुंचा। तो देखिएगा, इसमें भी ऐसा ही दे रखा है। लहना सिंह 12 वर्ष का था, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कह करके वह भाग जाती है, धत कह करके वह दौड़ जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कह दिया हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ? ऐसा सुनकर कि उनके दुख भी आया, क्रोध भी हुआ। दुख हुआ कि भाई उन्होंने क्या है कि बात को नहीं समझा, अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वह बात को नहीं समझ सका, वो बात बहुत पुरानी हो गई। वजीरा सिंह पानी पिला दे, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसकी हालत खराब थी। वजीरा सिंह पानी पिला दे, 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह ने नंबर 70 राइफल में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन की मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, साथ ही चलेंगे
सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लेना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचा और उन्हें क्या कहा, पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल करके आए, बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहा, असी सुनी। लहना सिंह चुप, क्योंकि लहना सिंह को पता ही नहीं था कि कौन लड़की है। उस बात को तो 25 वर्ष बीत गए थे और उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह वही लड़की है जो सूबेदार की पत्नी है। इस बात की जानकारी लहना सिंह को नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें यह सूबेदारनी जानती है, तू जा करके मिल आ। जैसे ही लहना सिंह वहाँ गया तो उसने मत्था टेका, नमस्कार की, आशीष ली। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप, मुझे पहचाना? नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, दत्त कल हो गई, देखते नहीं? रेशमी बूटू वाला सालू अमृतसर में, भाव की टकराहट, मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का गाँव भय निकला, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था, अर्थात ऐसी स्थिति में उनका स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों नहीं बनवा दी। तीमिया किसको बोलते हैं? औरतों की भी पलटन होनी चाहिए, औरतों की भी फौज की टुकड़ी होनी चाहिए। हमें भी अगर फौज की टुकड़ी में सम्मिलित कर लेते तो मैं भी क्या अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ चली जाती, क्योंकि मैं तो यहाँ अकेली हूँ, ये दोनों तो फौज में चले गए हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा भी यहाँ जी घुटता है, दम घुटता है। ऐसी स्थिति के बारे में लहना सिंह से उसने कहा। जो भी, मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती, एक ही बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे चार हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, अर्थात दोनों फौज में जाते हैं, दोनों लड़ाई करने के लिए फौज में जाते हैं। मेरे भाग, क्या कहा, दोनों जाते हैं, मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़े की लातू में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है, मेरी प्रार्थना है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती। जिस प्रकार से उस घोड़े से, उस पशु से आपने मेरी जान बचाई है, उसी प्रकार से आप भी मेरे इस पुत्र और मेरे पति के जीवन की रक्षा करना, मैं आपके सामने आंचल पसारती हूँ। ये बातें लहना सिंह के दिल और दिमाग पर छा गई। क्या कहा कि यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओरी में चली गई, ऊपर वाले कमरे में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, क्योंकि ये जो भाव, ये विचार उनके दिमाग में चल रहे थे तो उन्होंने मन में विचार किया और ऐसी स्थिति के अंदर दुखी हो रहा था, उनको प्यास लग रही थी और उन्होंने वजीरा से कहा, वजीरा सिंह पानी पिला दे, क्योंकि खून के शरीर से बहुत ज़्यादा बह चुका था, प्यास उनको बार बार लग रही थी, तो उनका पानी पिला दे। और कहा, वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था, अर्थात सूबेदारनी ने कहा था।
लेना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में ये आम खूब पकेगा, अब की बार इस वर्ष आम खूब पकेंगे, अर्थात इनके आम खूब लगेंगे, खूब पकेंगे। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। कितना बड़ा तेरा, देखिए जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ये आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। आम के पेड़ जितना उनका भतीजा, अर्थात लेना सिंह की भी शादी हो गई थी, उनका बच्चा था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। बाद में सच्चाई का पता लगा कि किस प्रकार से लहना सिंह जख्मी था, घाव से पीड़ित था, और जख्म और घाव के कारण ही उसकी मौत हुई। उसका बैलेट नंबर भी दिखाया गया। जब लोगों को पता लगा, उनके साथियों को पता लगा, हजारा सिंह व बोधा सिंह उनकी पत्नी को भी इस बात की जानकारी हुई कि किस प्रकार से उस लहना सिंह की सूझबूझ के कारण हम सब बच गए। इतने जख्मी होने के पश्चात भी उन्होंने हमें खुद के जख्मी होने की सूचना नहीं दी, वो नहीं चाहते थे किसी को मेरे जख्मी होने की जानकारी मिले। इस प्रकार से उन्होंने त्याग, प्रेम, समर्पण सब कुछ किया, अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये पाठ बड़ा ही स्मरणीय पाठ है, क्योंकि जो महायुद्ध हुए हैं उनमें हमारे भारतीयों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज अगर कोई भूल जाए तो अलग बात है, किंतु वहाँ भी जा कर के, विदेशों में जा कर के हमारे लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, जो चिरस्मरणीय है, ऐसा काम उन्होंने किया था। आज ये पाठ यहीं संपन्न होता है। थैंक यू। ओके बाय।